मैं जैसे किसी भी आदमी को मैं मिलता था मेरे कहीं पे, मैं उन कोई कभी ऐसे कुछ समाज की ऐसी धारणा या कुछ भी ऐसी कल्चर की बात आती, मैं टोक लेता था, मैं तर्क देता था, मैं डिस्कशन में पड़ जाता था। और मैं जो बात करता था, मेरे तर्क इतनी पूर्ण होते थे कि आगे वाला आदमी चुप हो जाता था। पर वो लोग मुझे बोलते, अरे तुम तो इतने छोटे हो, मैं तो बड़ा हूँ, तुम ऐसे मुझे मुझसे बोल कैसे सक रहे हो। तब मुझे पता चल जाता कि ये हार गए, पर ये स्वीकारना नहीं चाहते। मैं तो सुरक्षा अभी कभी मैं हारा हूँ तो, तर्क में मुझे किसी ने गिराया है तो मैं तो उसको सीखता हूँ। पर किसको ये मूर्खता दिखाई देगी, क्योंकि भीड़ में जो है, भेड़ चाल में तो सब महान महान लिख जाते हैं, जो एक दो कभी अपनी सच्चाई से, अपनी आँखों से जगत को देखते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, उसको तो यही मूर्ख, यही उपाधि ही अच्छी है। और मैं भी लेता हूँ, यही मेरी मूर्खता है। तो आपको एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। जब मेरे मामा ने मुझे पूछा, तू इतना विरोध क्यों करता है, सबके सबके लिए तू हर बार तू तर्क छेड़ देता है, तो आज बोल दे तू इतना विरोध क्यों करता है समाज का। मैंने बोला, आपको एक जीवन की सच्ची कहानी, एक सपोज दैट करता हूँ, सपोज दैट आप आपके घर के आगे एक रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से ऐसे ही जैसे जाते हो जा रहे थे, और सामने से पास में से एक गाड़ी तेज से तूफानी स्पीड से जा रही है, और आगे है मोड़ जिससे है घूमना, पर वो गाड़ी की इतनी तेजी है कि वो मोड़ नहीं पाता, और आगे एक घर है तो उसके वॉल में वो एक्सीडेंट कर जाता है, वो ठोक देता है। आप जाते हैं जल्दी जल्दी, क्या हुआ, वो अंदर कुछ था, हुआ तो नहीं उस ड्राइवर को या किसी को, तो आप देखते हैं कि अंदर घर में दो तीन चार बंदे थे जो दब गए उस ईंट के बाहर से, और ड्राइवर वो करने के बाद तुरंत भाग गया। आप अंदर गए, उसको उनको देखे, वो चार बंदे घायल पड़े हैं, मरे हैं कि पता नहीं, और आप गए उस खाली कार में, और आप बैठे ड्राइवर की सीट में उस गाड़ी को मोड़ने के लिए, पीछे लाने के लिए, ताकि देख सके कि उम्र है कि नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाना है आपको। पर जब आप लीवर बदलने जा रहे हो बैक गियर के लिए, तब उस लोकैलिटी की आदमी सब आदमी आते हैं और आपको देखते कि अरे अरे आपको बाहर निकल, इसने मार दिया इन लोगों को, वो मर गए, सबको आ गए, भीड़ जमा हुई। आप कहते रहे, अरे मैं तो बचाना चाहता, वो जिसने ठोका वो तो चला गया, मैं तो इसको बचाने के लिए कर रहा था ये। पर सुने को दिखा तो आपको ना, ड्राइवर तो आप हुए उनकी नज़रों में। और उस लोकैलिटी की एक बड़ी एक अच्छी रिवाज थी कि कोई भी ऐसा कुछ अच्छे में अपराध करे तो उसको एक ही सजा थी, तब ही उसकी गर्दन काटी जाती थी। तो आपका गर्दन एक कंधे के, एक लकड़ी के कुंदे के ऊपर रखा है, और एक तरवाल लेके एक आदमी खड़ा है उस लोकैलिटी, और सब लोग पड़े आपके सामने उस लोकैलिटी के। आप कह रहे हो, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, वो मारने वाला तो भाग गया, मैं तो बचाने के लिए आया था, और आपकी गर्दन कट गई, उन्होंने मार दिया। और जब मैंने बोला, और मेरे मामा के चेहरे में जो, अब वो चौंक गए थे क्योंकि इतना गहरे चले गए थे, और मैंने बोला शांत से, यही हरकत बार बार आपका समाज मेरे ऊपर करता है, यही गर्दन काटना आपके अंदर का समाज का मन आपकी अंतरात्मा को करता है, इसलिए मैं अपने बचाव के लिए तर्क का इस्तेमाल करता हूँ, और अपनी डिफेंस करते करते वक्त मुझे आपको तरवाल को गिराना पड़ता है, आपको भी चोट पहुँचानी पड़ती है, ये मेरे डिफेंस के लिए जरूरी, ये मेरी अंतरात्मा के डिफेंस के लिए जरूरी, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, और मैं अपनी अंतरात्मा की
हत्या होते देख नहीं सकूंगा।